नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जागृति पांडे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल सोशल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 6 कवर करने वाले हैं। और ना ही सिर्फ अध्याय 6 कवर करेंगे, बल्कि ये अध्याय तो लगभग दो वीडियो से चलता ही आ रहा है। यानी इस अध्याय की लगभग दो वीडियो आपको अपलोडेड मिल चुकी हैं, जिसमें कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोषण किसे बोलते हैं, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता है, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीव जंतुओं में कैसे पोषण की क्रिया होती है, जीव जंतु कैसे अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जीव जंतु में भी जो छोटे जीव जंतु होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक जीव या फिर जंतु कुछ भी कह लीजिए, इसे अमीबा को ले रखा है, जो एक एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, अमीबा ही क्यों? देखिए, हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ने ही वाले हैं जीव जंतुओं में पोषण कैसे, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं, उनमें कैसे पोषण की क्रिया होती है। तो अब बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, तो सबको तो लेकर के पढ़ेंगे नहीं भाई, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और शायद बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाए, है ना। तो इसी वजह से कि जब सब छोटे छोटे जीव जंतु हैं, तो किसी में उसी में से किसी एक को निकाल के हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, तो हमें सबके बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि अब हम जो घर में चावल बनाते हैं, हम चावल हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इस चीज़ को देखने के लिए एक चावल लेते हैं, उसे चेक करते हैं। अगर एक चावल हो जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, अब पूरा चावल हो चुका है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है, एक छोटे जीव को लेकर के देखेंगे कि उसमें कैसे पोषण होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसी तरीके के जितने भी जीव हैं उनमें भी उसी तरीके का पोषण होता होगा, वो भी उसी तरीके से अपना भोजन निर्माण करते होंगे जैसे कि अमीबा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, जितने भी युगलीना फुगलीना जो भी है, सब एक कोशिकीय जीव ही हैं। तो इसी वजह से हम इसमें पढ़ेंगे कि अमीबा जो एक एक कोशिकीय जीव है, इसमें कैसे पोषण की क्रिया होती है, कैसे ये भोजन बनाता है। देखिए, एक कोशिकीय का मतलब है, हम देखिए, हम सब जो हैं, एक मनुष्य जीव जो एक होता है या फिर एक जो जानवर होता है, वो एक बहुकोशिकीय जीव होता है, यानी उसके शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाखों सैकड़ों अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। तो अब आप सोचिए, हमारे शरीर के अंदर अरबों करोड़ों सैकड़ों जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब उसमें एक कोशिका का कितना मोल हो जाएगा, यानी एक कोशिका हमें दिखेगी नहीं, तो हमारी एक कोशिका के जितना बराबर एक छोटा सा अगर जीव हो, तो क्या हमें वो कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो यानी कि वो बिल्कुल एक कोशिका, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा जीव होता है अमीबा, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। हमारे अंदर तो इतनी सारी कोशिका पाई जाती है, तब जाके हम इतने बड़े हुए हैं, हम आप सब इतने बड़े हुए हैं, बल्कि अमीबा में तो छोटा सा एक ही कोशिका का जीव है, ये कितना छोटा होगा। खैर, उसके बाद हटाते हैं। अब बात करते हैं अमीबा में कैसे पोषण की क्रिया होती है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो है भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतः का मतलब होता है अंदर, ग्रहण का मतलब ले लेना, यानी कि सबसे पहला काम क्या करता है अमीबा या जितने भी कोशिकीय जीव होते हैं, वो सबसे पहले भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर उसे ऊर्जा या फिर अपने काम की चीज निकालनी है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब अंतर्ग्रहण मतलब करना, यानी अंदर ले लेना। अब बात आती है पोषक पदार्थों का अवशोषण। भोजन को अंदर लेकर के उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं, जो इन जीव जंतुओं के लिए जरूरी हैं, उन्हें निकाल लेना, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थों का, यानी जो जरूरी पदार्थ हैं जिससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, उसे निकाल लेना, और बाकी के पदार्थों का अब जो है बहिष्करण या बाहर निकाल देना। ठीक है, तीसरा स्टेप है कि अपशिष्ट पदार्थों का, यानी जो खराब पदार्थ हैं, उनका बहिष्करण या अपने शरीर से बाहर निकाल देना। यानी कि तीन स्टेप में होता है इन लोगों का पोषण। पहला अंतर्ग्रहण, यानी अंदर लेना। दूसरा, अंदर जैसे ही खाना आ गया, उससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें निकाल करके, जो इनके लिए जरूरी हैं, इनके भोजन के लिए जरूरी हैं, उन्हें निकाल करके। तीसरा, जो खराब पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल देना। आप समझे, आप देख पाएंगे हमारे मानव के शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में, सबके शरीर में सेम यही काम होता है। हम पहले भोजन खाते हैं, तो भोजन खाना ही पहला स्टेप हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा, जब वो पाचन उसका होता है, तो जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो निकाली जाती हैं, और उसके बाद कुछ मलमूत्र के रूप में कुछ चीज़ें शरीर से बाहर भी निकाली जाती हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ बन रहा है तो उसमें कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट का निर्माण तो होना ही होना है ना। तो वही चीज़ है कि पहला स्टेप होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी ये सब पहले भोजन को अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद उससे जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं उसे निकाल लेते हैं, उसके बाद जो खराब पदार्थ बच जाता है उसे शरीर से बाहर फेंक देते हैं। अब देखते हैं एक जो एक कोशिकीय जीव होता है जैसे अमीबा, ये कैसे भोजन अपना प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक अमीबा का मैंने चित्र बना रखा है। अमीबा जो है ना, ये अपनी स्थिति कभी भी बदल लेता है, अपना रूप कभी भी बदल लेता है। इसका कोई फिक्स आकृति नहीं होती है कि वो उसी आकृति का होता है। हमारे पास तो फिक्स आकृति है, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, है ना, एक सर है,
इनका कोई फिक्स आकृति नहीं, जैसे कि ये एक अमीबा है, एक कोशिका जीव है, इसे अपना यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मैंने डॉट दिया है, यानी कि वहाँ पे इसे उसका भोजन दिख गया। अब जैसे इसने अपना भोजन देखा, इसके मन में लालच आई और फिर इसने क्या किया, अपने शरीर को उस भोजन की तरफ ऐसे बढ़ा लिया। तो जैसे ही अपने शरीर को उसने बढ़ाया तो उस स्थिति को हम कूटपात बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब इसने भोजन को बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। पहले इसने देखा उसे, फिर उसने क्या है कि एक गैंग बनाए, अपने ही शरीर से गैंग बना ली, उसके बाद उसे पूरा निकल गया, यानी तीसरे स्टेप में वो उसे खा गया। पहले देखा, फिर संयंत्र बनाया, उसके बाद निकल गया। उसके बाद निकलने के बाद चौथा स्टेप, उसके जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें बाहर निकाल देना, ये तो होता है ना। पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, अवशोषण भी हो गया, शरीर से बाहर निकाल दिया। तो ये लगभग हर एक कोशिकीय जीवों में ये काम होता रहता है ना। तो ये हो गया कि किस तरीके से छोटे छोटे जीव जंतुओं में पोषण की क्रिया होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।